हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। ये देखिए, ये इसका नाम है जुची मशीन है। इसका जो झाल एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग टूट गई है इसकी। ये स्प्रिंग कैसे चेंज किया जाएगा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसका अगर स्प्रिंग नहीं होता है तो इसका नीचे से दाना देना बीमारी मशीन की चालू हो जाती है और ये मशीन सही चलता भी नहीं है और टाप भी देती है, टाप छोड़ देती है। तो इसका स्प्रिंग कैसे लगेगा गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्त, मैं इसको खोल रहा हूँ मदद से और ये खुल गया। बस ये खुल गया और इसमें देख लेते हैं, इसका स्प्रिंग जो है टूट गया है। और इस हिसाब से ये आपका यहाँ आएगा, इसको खुद भी निकालना है गाइस। ये जो भाई जिसमें स्क्रीन लगा होगा, ये स्क्रीन देखो भाई, ये टूट गई है। इसके बदला में एक नया स्प्रिंग ये डाल रहा हूँ गाइस। ये इस तरीका से लगना चाहिए, ये आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है गाइस, लग गया इस तरीके से। और इसको इसमें घुसा दीजिए गाइस, ठीक है गाइस। और ये देख लीजिए गाइस, ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम इधर करते हैं गाइस, ये लूज हो जाता है। और इसको ये हम घुमा के इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद जो है एक बोल्ट है, इस बोल्ट को टाइट कर लेंगे। इसको बेहतरीन से टाइट कर रहे हैं, नहीं तो अगर आपको पेज का स्लिप करेगा तो हाथ भी बिगड़ सकता है। इस तरीके से हो गया और इसी जगह तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं गाइस, टाइट कर लीजिए। और टाइट करने के बाद सबसे पहले गाइस इस वाले प्लेट को डाल दीजिए, के बाद फिर ये प्लेट को डाल दीजिए, फिर इसको डाल दीजिए गाइस, फिर इसको डालिए और फिर इसको डाल दीजिए। ये आपका लग गया और ये इसी हिसाब से चलना चाहिए, बिल्कुल इसमें चाहिए बिल्कुल हल्का, मतलब समझिए बिल्कुल कम पावर होना चाहिए इसमें, ठीक है गाइस। ये बेहतर हो गया और इस तरीके से पूरी धागा लगा करके ये काम कर दीजिए। और ये गाइस देख लीजिए, ये धागा भी आ गया और इसका जो सिलाई है ये बहुत अच्छा सिलाई होता है गाइस। ये और टाइट होने लग रहा है,